घर में सब इतने खुश है कि मैं क्या बताऊं। और सोचिए अब तो मैं बुआ बन जाऊंगी। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। तो इस हिसाब से मैं क्या कहलाऊंगा? फूफा जी। तो ठीक है, मैं आपके घर आ रहा हूँ। दादा और भाभी को कांग्रेचुलेट करना है, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। नहीं नहीं निखिल जी, आप प्लीज यहाँ मत आइएगा, वरना सबको पता चल जाएगा कि मैंने आपको बताया, और सब ये भी जान जाएंगे कि मैं आपसे बात करती हूँ। ठीक है, मैं नहीं आऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? क्या? आप प्लीज कल मुझसे मिलेंगी? नहीं निखिल जी, मैं नहीं आ सकती, वो इम्पॉसिबल है। प्लीज रश्मि, आप थोड़ी देर के लिए आ जाइए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। घर पे ठीक से बात भी नहीं हो पाई। ठीक है, मैं देखती हूँ। See you then. अच्छा? पता है, हम दोनों टेंशन में आ गए थे, और अक्षरा तो बेचारी सोच सोच के परेशान हो रही थी कि कैसे कहे कब कहे। मैं भी बहुत टेंशन में आ गई थी, इसलिए मैंने जाकर उसके कमरे में ढेर सारे खिलौने रख दिए और बेबी के पोस्टर भी रख दिए। लेकिन अक्षरा इतनी डरी हुई थी ना कि उसने वो सब हटा दिया, उसे लगा कहीं नैतिक जी निराश ना हो जाए। वर्षा, बात को घुमा फिरा कर कहने की क्या जरूरत थी, सीधा सीधा कह देती। आप नहीं समझेंगे। अरे मैं क्यों नहीं समझूंगा? अरे इसलिए क्योंकि ये अलग ही इमोशंस होते हैं। जैसे मुझे लग रहा था ना कि मैं आपको बताऊंगी, पता नहीं आप खुश होंगे या नहीं। क्यों वर्षा, मैं खुश क्यों नहीं होता? क्या बच्चे हमें खुशी नहीं देते? क्या इनकी हंसी देखकर हमें सुख नहीं पहुंचता? माँ का ही सब कुछ होता है क्या, पापा का कुछ नहीं होता? देखा है नन्या, आपने पापा को अलग समझते हैं। हम आपको अलग नहीं समझते, एक अलग ही फीलिंग होती है जिसे हम कह नहीं सकते। हमें लगता है कि रिश्ते बदल जाएंगे, जिंदगी बदल जाएगी, और सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। क्योरे की माँ जी, जी पहले अपना मुंह तो मीठा कीजिए, सुबह से हमें तो समय नहीं मिला इतनी बड़ी खुशखबरी को साथ में मिलकर मनाने का। ये लीजिए। जी ये हमारा सौभाग्य है ना कि हम अपने परिवार को हलता फुलता देख रहे हैं। बस बाल गोपाल अपनी कृपा दृष्टि हमारे जमाई साहब और हमारी बिटिया रानी पर बनाए रखे। देखिए तो अक्षरा यहाँ आई थी लेकिन हमें कुछ बताया ही नहीं। हमारे ख्याल से तो हमारी अक्षरा ने बिल्कुल ठीक किया, पहले उसने ये खबर अपने घर पर सुनाई, उसके बाद हमें सुनाई। जी सो तो है, बस वो थोड़ी चिंता हो रही थी उसकी, वो किसी से कुछ कहती नहीं है ना, अपना ख्याल पता नहीं कैसे रखेगी, शुरू के दिल तो बहुत नाजुक होते हैं। हो गई आपकी परेशानी शुरू? अरे अब ये तो सोचिए कि बाल गोपाल की कृपा से भरा पूरा परिवार है उनका। वो सब भी तो अक्षरा का उतना ही ख्याल रखेंगे जितना कि आप रखती, या फिर जितना आपने वर्षा का रखा। ये बात तो सच है, ये अच्छा हुआ कि सारा परिवार फिर से एक हो गया। देखिए तो बच्चे ने आने से पहले ही सबको जोड़ दिया। बिल्कुल, अब इस खुशी के मौके पर थोड़ी मिठाई और मिलेगी। थोड़ी क्यों? भर के खाइए नाना जी।